अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अनमोल बातें चैनल में खुश आमदीद। सिर्फ ये दुआ जो है आपने सुबह शाम 3 बार पढ़नी है और इंशाल्लाह अल्लाह ताला को आप राज़ी अल्लाह ताला आपको राज़ी कर देंगे क़यामत के दिन। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मैं उस शख्स का हाथ पकड़ के जन्नत में दाखिल कराने का ज़िम्मेदार हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जिस शख्स ने सुबह के वक्त ये कलिमात कहे, रज़ी तो बिल्लाही रब्बा व बिल्इस्लाम दीना व बि मुहम्मदिन नबिया, मैं अपने अल्लाह के परवरदिगार होने और इस्लाम के दीन होने और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने पर राज़ी हूँ, तो मैं इस शख्स को हाथ पकड़ कर जन्नत में दाखिल कराने का ज़िम्मेदार हूँ। एक और रिवायत है कि हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस शख्स ने ये कलमात कहे, रज़ीतु बिल्लाही रब्बा व बिल्इस्लाम दीना व बि मुहम्मदिन रसूलन, एक में मुहम्मदिन रसूलन आता है, एक में मुहम्मदिन रसूलन, एक में मुहम्मदिन नबीन आता है। तो हम इसीलिए कई जगह पे आपको देखा होगा कि दोनों जो है ना ये अल्फाज इकट्ठे कर दिए जाते हैं, तो ये फिर लफ्ज़ ये भी बन जाता है, रज़ीतु बिल्लाही रब्बा व बिल्इस्लाम दीना व बि मुहम्मद रसूलन नबिया, यानी कि मुहम्मदिन रसूलन व नबिया, ये दोनों इकट्ठे कर दिए जाते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसके लिए जन्नत वाजिब हो गई। तो ये दो अलग अलग हदीसें हैं जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो ये पढ़ेगा उस पे जन्नत वाजिब हो जाती है और दूसरी में अल्लाह ताला उसे राज़ी हो जाएगा, अल्लाह ताला उसको राज़ी कर देंगे, यानी कि जो वो मांगेगा इंशाल्लाह वो मिलेगा। तो ये दोनों दुआएं आप इन पे अमल करें, 3 मरतबा सुबह और 3 मरतबा शाम करेंगे इंशाल्लाह, तो जन्नत का सर्टिफिकेट आपके हाथ में होगा और अल्लाह ताला आपको राज़ी कर देंगे। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।